हालेलुया, सब कुछ जय से की। मैं प्रोफेट सुमन दीप और आपका स्वागत है बिशप अमरती मिनिस्ट्री में। प्रभु आपका ब्लेस करे और आप आशीष को पाएं प्रभु यीशुमस के नाम से। आज का दिन दिखाने के लिए उस महान परमेश्वर को धन्यवाद हो। मैं उम्मीद करता हूं कि आप और आपका परिवार खुशहाल हैं, खुश हैं, आनंदित हैं, क्योंकि प्रभु का नाम महान है। वो सर्व सामर्थी नाम परमेश्वर का अद्भुत कार्य करने वाला वो महान परमेश्वर, जीवित परमेश्वर हमारे संग हैं, आपके संग हैं, जो हमें हर एक दुखों से, हर एक समस्याओं से बचाने की ताकत रखता है। क्योंकि परमेश्वर ही है जो हम पर दया और कृपा करते हैं। परमेश्वर के अलावा हमारी कोई रक्षा नहीं कर सकता, कोई इंसान हमारी रक्षा नहीं कर सकता। केवल परमेश्वर हैं जो हमें बचा कर रखते हैं, हमें जीवित रखते हैं, हमें विजय करते हैं, हमें ब्लेस करते हैं। इसी तरह आज हम पढ़ेंगे भजन संहिता 3। आप मेरे पीछे बोलकर भी प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छा ये वचन है कि कैसे दुश्मन हमें घेर लेते हैं लेकिन परमेश्वर हमें विजय देते हैं। सब कुछ करने वाला वो महान परमेश्वर ही है। मैं इस वचन को पढ़ रहा हूँ, आप पीछे बोल भी सकते हैं इस वचन के, अपने घुटनों को टेक कर आप भी प्रार्थना कर सकते हैं परमेश्वर की हजूरी में, क्योंकि परमेश्वर भला है, वो हमेशा भला करता है। हम पढ़ेंगे, वचन कहता है, हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं, वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़े पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है, हे यहोवा, तेरी आशा तेरी प्रजा पर हो। आमीन, कहें आमीन, फिर से कहें आमीन। आमीन का मतलब इसी तरह ही हो, आमीन का मतलब इसी तरह ही हो। परमेश्वर सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, दया करने वाले हैं, कृपा करने वाले हैं। कितना अच्छा परमेश्वर ने वचन दिया। वचन कहता है कि मेरे स्थाने वाले बहुत बढ़ गए हैं, जो हमारे विरुद्ध उठते हैं वो बहुत हैं। आपके भी खिलाफ बहुत से लोग उठते होंगे, क्योंकि मैं हमेशा कहता हूँ कि हर किसी का अलग अलग होता है। कोई बिजनेस में, कोई अपने परिवार में, कोई अपने ससुराल में, कोई अपने मायके में, कोई अपने जीवन में, ऐसे बहुत से विरोधी जो सताने वाले बढ़ गए हैं। लेकिन वचन कहता है वह जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं, और ये सच्चाई है। हमारे विरुद्ध उठने वाले बहुत से लोग ऐसे होते हैं, आपके विरुद्ध उठने वाले बहुत से लोग ऐसे होते हैं, चर्चों के खिलाफ उठने वाले लोग बहुत से होते हैं। वचन कहता है बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। बहुत से लोग कहते हैं कि ये हमेशा बच कैसे जाते हैं, इनके ऊपर इतने संकट आता है, मुसीबत आती है फिर बच जाते हैं, इनके ऊपर फिर दुख आता है, फिर समस्या आती है फिर बच जाते हैं, फिर संकट आता है, फिर दुख आता है, फिर बच जाते हैं, ये बच कैसे जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं इस बार ये नहीं बचेगा। जिस तरह दाऊद को मारने के लिए लोग आए थे, उसको पकड़ने के लिए लोग आए थे, अलीशा को पकड़ने के लिए लोग आए थे, और वो ये क्या कह रहे थे कि इस बार परमेश्वर उसे नहीं बचा सकता, अब नहीं परमेश्वर उसको बचाएगा, अब बच नहीं सकता वो। लेकिन
वचन कहता है, परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है, तू मेरी महिमा और मेरे मस्तक का ऊंचा करने वाला है। लेकिन परमेश्वर हमारी ढाल है, वो हमें हर एक विपत्ति से, हर एक संकटों से, हर एक मुश्किलों से, हर तरह के बंधनों से परमेश्वर हमें बचाते हैं। हालेलुया। वचन कहता है, मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूँ और वह अपने पवित्र पर्वत पर से मुझे उत्तर देता है। हम जब परमेश्वर का पुकारते हैं कि प्रभु जी हमारी प्रार्थना को सुनो, और परमेश्वर हमें उत्तर देते हैं। हम जब जब पुकारते हैं तब तब परमेश्वर हमें उत्तर देते हैं। वचन कहता है, मैं लेटकर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। इसके बहुत से अर्थ बनते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चिंताओं में सोते हैं और सो ही जाते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको समस्या घेर लेती है, वो सोते हैं लेकिन खुदकुशी कर लेते हैं। कुछ ऐसे हैं जो लेटते हैं, कोई हादसा उनके जीवन में हो जाता है। ऐसी बहुत सी बातें, कुछ लोग सोते हैं बाद में उठते नहीं हैं। आपने कहते ना, बेचारा अभी आराम से सोया था लेकिन दिन नहीं देख पाया, पता नहीं क्या हो गया उसको। तो वचन ये कहता है, मैं लेट कर सो गया फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। ये संभालने वाला परमेश्वर हमें हमेशा संभालते ही हैं। हम सोते हैं, हम उठते हैं, सबको बचाने वाला कौन है? परमेश्वर, जो हमें संभाल कर रखता है। वचन कहता है, मैं उन 10,000 मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे पूर्व चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। हालेलुया। परमेश्वर वचन कहता है, मैं उन 10,000 लोग मनुष्य से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध पांति बांधे खड़े हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि पांति बांध कर खड़े होते हैं, चलो अब ऐसा करेंगे इनके साथ, आप ऐसा करेंगे इनके साथ, अब ऐसा करेंगे इनके साथ, अब ऐसा करेंगे इनके साथ। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। कितना अच्छा लिखा है। अपने डायलॉग मारते होते थे जब कोई झगड़ा हो जाता, कहते मैं तेरा, पंजाबी बोलते कि मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा, मैं तेरा जबड़ा हिला दूंगा, एक लगी तो तेरे। लेकिन वचन क्या कहता है, परमेश्वर क्या कहते हैं कि परमेश्वर उन शत्रुओं के जबड़ों पर मारेंगे और दुष्टों के दांत तक तोड़ डालेंगे। हालेलुया। इसलिए घबराना नहीं है, डरना नहीं है। करना क्या है? सिर्फ एक काम लिखा हुआ है, उद्धार यहोवा ही से मिलता है। हे यहोवा, तेरी आशा तेरी प्रजा पर हो। उद्धार परमेश्वर की ओर से ही होता है। परमेश्वर ही उद्धार करने वाले परमेश्वर हैं। और इस जीवित वचन के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दे, अपने घुटनों को टेक के आइए, हम प्रार्थना करते हैं। दया करने वाले परमेश्वर प्रभु, हम महान हैं मेरे पिता, सृष्टि का कर्ता मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ऐसा पुष्ट करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, आवाहन है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ऐसा कुछ करने वाले परमेश्वर है मेरे पिता प्रभु। आप कभी भी शत्रुओं को विजय नहीं होने देते हैं मेरे पिता। हम विश्वास करते हैं मेरे पिता कि शत्रु हमारे ऊपर विजय नहीं हो सकते मेरे पिता, बल्कि हम शत्रुओं पर विजय होते हैं मेरे पिता, हम शत्रुओं को हराते हैं मेरे पिता। क्योंकि आपका वचन कहता है, आप शत्रुओं के जबड़ों को तोड़ डालते हैं, उनके दांतों को तोड़ डालते हैं मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे भी विरोधी, हमारे भी दुश्मन, हमारे भी शत्रु पीछे ढके ले जाए मेरे पिता, जो हमारे परिवार को ख़राब करते हैं, जो हमारे बिजनेस को ख़राब करते हैं, जो हमारे चर्च को ख़राब करते हैं, जो हमारे जीवन को ख़राब करते हैं, जो हमारी संगति को ख़राब करते हैं, जो हमारे देखने को ख़राब करते हैं, जो हमारे शरीर को ख़राब करते हैं, जो हमारी सोच को ख़राब करते हैं मेरे पिता, आपके नाम से ये शत्रु पीछे धकेले जाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। और मेरे पिता परमेश्वर ये कहते हैं कि अब परमेश्वर इनकी मदद नहीं करेगा, अब तो गिर चुका है ये परिवार, आप परमेश्वर इनकी मदद नहीं कर सकता। और हम भी कहने लग जाते हैं कि अब तो हम गिर चुके हैं, अब हम खड़े नहीं हो सकते। लेकिन परमेश्वर कहते हैं, 10,000 भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकते, हम लेटेंगे फिर उठेंगे, क्योंकि परमेश्वर हमारे संग है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि सब कुछ करने वाला वो महान परमेश्वर है, हमारे जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला वो महान परमेश्वर है, हमें दयावंत करने वाला, हमें ब्लेस करने वाला वो महान परमेश्वर है, जो सब कुछ कर सकता है, जो सब कुछ करता है। इसलिए प्रभु आपको आशीष दे, प्रभु आपका जीवन में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष को पाएं प्रभु के नाम से। आमीन।